दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में। कैटेगरी वाइज हम आपको टॉप 2 म्यूचुअल फंड बताएंगे जो आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए काफी हेल्पफुल होगा। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें, कभी भी आपको उधार लेकर के, दूसरों से कर्ज लेकर के और कभी भी लोन लेकर के इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। ये आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी उत्पन्न कर सकती है आने वाले समय में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड की बात करेंगे वो इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करेंगे। डेट म्यूचुअल फंड के बारे में हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। यहां पर हमारा मुख्य फोकस होगा इक्विटी म्यूचुअल फंड। देखिए म्यूचुअल फंड 5000 से अधिक म्यूचुअल फंड है जिससे आपको कंपेयर करना, सेलेक्ट करना काफी कठिन होता है। तो यहाँ पर जब हम म्यूचुअल फंड को कैटेगराइज कर रहे हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड को इंडेक्स फंड में, आप डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्स जैसे सेंसेक्स हो गया, निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी मिड कैप, इन सब इंडेक्स का म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम मुख्य इंडेक्स जो निफ्टी 50 है उसको हम सिलेक्ट किए हैं। तो उसके 2 म्यूचुअल फंड हम आपको यहाँ पर बताएंगे। फिर यहाँ लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, मल्टी कैप फंड और ELS इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। सबसे पहला जो म्यूचुअल फंड है हमारा वो इंडेक्स फंड, निफ्टी इंडेक्स को जो फॉलो करता है, UTI निफ्टी इंडेक्स फंड। इसका बेंचमार्क निफ्टी 50 है और सबसे पहले हम इंडेक्स फंड को इसलिए लिए हैं, हो सकता है कोई फंड परफॉर्म करे या ना करे, अपने बेंचमार्क को हिट कर पाए। जैसे बेंचमार्क किसी का निफ्टी 50 है तो निफ्टी 50 को बहुत सारे इस बुल रैली में बहुत सारे ऐसे फंड है जो कि बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया, क्यों ना हम अपने बेंचमार्क इंडेक्स को ही अपना म्यूचुअल फंड ले ले। तो जो मुख्य बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी 50 उसी का ये म्यूचुअल फंड है। अगर आप इसको लेते हैं तो निश्चित रूप से जितना इंडेक्स हमारा परफॉर्म करेगा उतना रिटर्न तो ये हमें देगा ही देगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम बात करें मैक्सिमम ईयर में तो 2013 से ये फंड स्टार्ट हुआ है और 14% के CAGR से कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के साथ रिटर्न दे रहा है, तो जो कि काफी बेहतरीन है। करेंट इसका NAV प्राइस 116.51 है। और जैसा कि मैंने पीछे के वीडियो में आपको बताया था कि आप यहां पर कैसे किसी भी फंड के कंपेयर कर सकते हैं, तो यहां पर आप सारी चीजें नीचे आएंगे तो यहां पर आपको एक्सपेंस रेशियो मिल जाएगा 0.20% इसका एक्सपेंस रेशियो है। इससे कम एक्सपेंस रेशियो वाले बहुत ही कम फंड है। जैसे यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो कम वाली बात है तो SBI निफ्टी इंडेक्स फंड है, ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी इंडेक्स फंड है, लेकिन इसका देखिए रिटर्न जो है उसका इस फंड से UTI इंडेक्स फंड से कम है। वहीं बात करें एग्जिट लोड का, यहाँ पर एग्जिट लोड 15 डे से पहले या 15 डे के अंदर अगर आप यहाँ पर एग्जिट लेते हैं तो आपको 1% एग्जिट लोड लगेगा, अदरवाइज उसके बाद कोई भी एग्जिट लोड यहाँ पर नहीं लगेगा। साथ साथ कि इसमें कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, आप कभी भी इसमें इन्वेस्ट कर और कभी भी आप इस म्यूचुअल फंड से एग्जिट कर सकते हैं। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए फंड मैनेजर जो है सरवण कुमार है, तो इनका 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और कुल 4 फंड ये मैनेज करते हैं। फिर यहाँ UTI MC के बारे में आप पढ़ सकते हैं, तो इस तरह से आप इस फंड के बारे में पढ़ सकते हैं। और इस फंड से बेहतर अगर कोई फंड दूसरा आपको हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप नीचे बताइएगा, ताकि जो भी नए लोग मार्केट में स्टार्ट करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट अपना, उन्हें भी बेहतर जानकारी मिल सके। तो दूसरा फंड है वही जो निफ्टी इंडेक्स को फॉलो करता है, वो ICICI प्रूडेंशियल और इसका NAV है 175.60 रुपए और इसका देखिए कंपाउंड जो ग्रोथ रेट है 14% का है। तो लॉन्ग टर्म में ये फंड भी काफी बेहतरीन परफॉर्म किया है। अब देखिए इंडेक्स फंड सेलेक्ट करते हैं तो मुख्य रूप से आपको 2 चीजें देखना चाहिए। एक्सपेंस रेशियो देखिए, इसका एक्सपेंस रेशियो मात्र 0.17% है, मतलब UTI इंडेक्स फंड से भी कम है और इससे कम आपको बहुत ही कम फंड के मिलेंगे, तो इसका एक्सपेंस रेशियो काफी कम है। और बात करें यहीं पर एग्जिट लोड का, तो नीचे आकर के आप एग्जिट लोड देख सकते हैं। इसका एग्जिट लोड 7 डे तक में अगर आप एग्जिट होते हैं तो 0.25% का एग्जिट लोड लगेगा। दूसरा होता है एसोर्ट अंडर मैनेजमेंट। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीजें देखना है वो है AMU एसोर्ट अंडर मैनेजमेंट इस फंड में कितना है। तो ये 2 चीजें देख लेते हैं इंडेक्स फंड में, और कुछ खास चीजें आपको नहीं देखना होता है। एक्सपेंस रेशियो आपको लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा बेनिफिट करेगा और जो AMU है वो आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगा, तो 2 चीजें आप जरूर देख लें। उसके बाद जो अगला है वो है एक्सिस ब्लू चिप फंड, ये भी निफ्टी 50 को फॉलो करता है, लेकिन इसमें जो स्टॉक्स होंगे वो फंड मैनेजर अपने रेशियो के अनुसार सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका जो 5 ईयर का CAGR है 18%, मैक्सिमम ईयर बात करते हैं तो भी 18%, तो काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस है इस ब्लू चिप कंपनियों का, मतलब ये ब्लू चिप कंपनियों में ही इन्वेस्ट करते हैं। अगर इसके एक्सपेंस रेशियो की बात है तो 0.49% इसका एक्सपेंस रेशियो है। और यहाँ पर नीचे चलते हैं, इसका जो एग्जिट लोड है देखिए 3% है, 6 मंथ के पहले करते हैं,
2% है 6 मंथ और 12 मंथ के बीच करते हैं और 12 मंथ और 24 मंथ के बीच करते हैं तो 1% एग्जिट लोड है। तो उसके बाद 12 मंथ के बाद आपको कोई एग्जिट लोड नहीं लगता है। ये चीजें काफी देखना बेहतरीन होता है, कोई लॉक इन पीरियड नहीं है और खास करके ये जो है ग्रोथ प्लान है, जो भी फंड हम आपको बताते हैं वो डायरेक्ट प्लान है, साथ साथ ग्रोथ प्लान है, जिसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में किया था। हमेशा आपको डायरेक्ट प्लान चूज करना है और ग्रोथ प्लान चूज करना है। ग्रोथ में होगा आपका जो भी डिविडेंड आएगा वो री इन्वेस्ट होता जाएगा उसी फंड में। फिर नीचे आते हैं तो इसके फंड मैनेजर देख सकते हैं, दो फंड मैनेजर है, श्रेयश देवालकर और हितेश दास। फिर यहाँ पर आपको एमसी के बारे में मिल जाएगा, एमसी का रिपुटेशन क्या है ये तो जरूर चेक करना है। फिर आते हैं अगले फंड पे, अगला फंड भी है जो कि लार्ज कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करता है, वो है मिडेज एसर्ट लार्ज कैप फंड। तो दो इंडेक्स फंड मैंने बताया था, अब ये दो लार्ज कैप फंड है, मतलब लार्ज कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करने वाला है। इसका एनएवी है 85.13 रुपीज और 5 ईयर्स में इसका सीएजीआर है 17% और वही मैक्सिमम ईयर की बात है तो 19% के क्लोज है। तो काफी बेहतरीन ये भी परफॉर्मेंस दिया है, काफी बेहतरीन ये भी फंड है। और बात करें एक्सपेंस रेशियो का, 0.54% एक्सपेंस रेशियो है तो काफी कम है। वहीं देखिए इसके जो पीस हैं उसके देखिए एक्सपेंस रेशियो 1% के आसपास है, एक्सिस ब्लू चिप का मात्र इसके आसपास है, फिर देखिए 1% से भी ज्यादा है आईसीआईसीआई पोटेंशियल ब्लू चिप का। तो एक्सपेंस रेशियो लॉन्ग टर्म में जब आप 10 इयर्स 20 इयर्स 30 इयर्स के लिए अपने म्यूचुअल फंड को होल्ड करेंगे तो ये एक्सपेंस रेशियो आपको काफी बेनिफिट करेगा जब आप कम एक्सपेंस रेशियो वाले सेलेक्ट करते हैं। दूसरा क्रिटेरियम मैंने आपको बता दिया, एएमयू एसर्ट अंडर मैनेजमेंट क्या है इसको जरूर देख लीजिए। अब ये जो मिलेज एसर्ट लार्ज कैप फंड है ये निफ्टी 100 जो है उस इंडेक्स को फॉलो करता है, जबकि एक्सिस ब्लू चिप निफ्टी 50 को फॉलो करता है। और यहाँ पर अगर आप 1 ईयर के पहले एग्जिट करते हैं तो एग्जिट लोड भी लगेगा, मिनिमम लमसम अमाउंट 5000 से स्टार्ट कर सकते हैं, मिनिमम एसआईपी जितना मन हो उतना से स्टार्ट करते हैं, इसका कोई फिक्स अमाउंट नहीं है एसआईपी का। फिर यहाँ पर आप नीचे आएंगे फंड मैनेजर मिल जाएंगे, इसमें भी गौरव मिश्रा और हर्षद दो फंड मैनेजर हैं। फिर यहाँ एमसी के बारे में पढ़ सकते हैं, तो ये दो लार्ज कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करने वाले फंड हो गए जो कि काफी बेहतरीन रिटर्न दिया है लॉन्ग टर्म में। अब दो मिड कैप फंड के बारे में हम चर्चा करेंगे, तो दो मिड कैप फंड है, पहला कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, ये मिड कैप फंड है और इसका एनएवी भी है 77.86 रुपीज। और बात करें 5 ईयर्स में सीएजीआर का 18.95% है, काफी बेहतरीन है। मैक्सिमम ईयर में बात करें तो काफी सॉलिड है 21.92। देखिए जब मिड कैप में आते हैं तो यहाँ पर रिटर्न जो है 1-2% ज्यादा मिलता है आपको, 1-2% लॉन्ग टर्म में आपके रिटर्न पर काफी बड़ा इम्पैक्ट डालता है, लेकिन मिड कैप में रिस्क भी ज्यादा होता है। तो मिड कैप फंड उन्हीं के लिए है जो थोड़ा रिस्क लेना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर आप नीचे आते हैं तो यहाँ देखिए एक्सपेंस रेशियो का 0.57% है। फिर नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए प्लान कैसा है, ग्रोथ प्लान लेना है डायरेक्ट प्लान लेना है ये तो हमेशा रखना है, ग्रोथ प्लान हो डायरेक्ट प्लान हो। लॉक इन पीरियड 0 है, एग्जिट लोड 1% है, अगर एक 1 ईयर के पहले आप करते हैं 1 ईयर के बाद कोई एग्जिट लोड है, मिनिमम एसआईपी अमाउंट जिससे चाहे आप स्टार्ट करते हैं, लमसम अमाउंट 5000 नॉर्मली रहता है। अगर बात करें बेंचमार्क निफ्टी मिड कैप 100 को ये फॉलो करता है, मतलब इस बेंचमार्क को बीट करता है तो ये म्यूचुअल फंड निश्चित रूप से लॉन्ग टर्म आपको काफी बेहतरीन परफॉर्म करके देगा। वहीं बात करें फंड मैनेजर का तो पंकज देख सकते हैं, एक्सपीरियंस 10 इयर्स, फंड कुल 3 मैनेज करते हैं, तो यहाँ पर एमसी के बारे में भी पढ़ सकते हैं। फिर जो अगला मिड कैप फंड है वो है एक्सिस मिड कैप फंड, ये भी काफी बेहतरीन है, 76 रुपीज इसका एनएवी प्राइस है अभी। और यहाँ पर बात करें सीएजीआर का, 21.82% का सीएजीआर ग्रोथ दिया है मैक्सिमम ईयर में, और वहीं पर 5 इयर्स में बात करेंगे तो 5 इयर्स में भी 22% है। तो लॉन्ग टर्म में ये फंड काफी बेहतरीन परफॉर्म करके दिया है, अपने इन्वेस्टर को काफी बेहतरीन रिटर्न क्रिएट करके दिया है। और नीचे चलते हैं तो इसका एक्सपेंस देखिए 0.50% है, और वहीं बात करते हैं इसके जो एग्जिट लोड है 3% है एग्जिट लोड, अगर 6 मंथ से पहले करते हैं, अगर 24 मंथ से पहले करते हैं तो 1%, मतलब अलग अलग टाइम के अनुसार एग्जिट लोड अलग अलग है, कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, मिनिमम एसआईपी अमाउंट 5000 है। और इसका जो बेंचमार्क है वो S&P BSE मिड कैप है, तो सब फंड का अपना बेंचमार्क देख लीजिए कौन सा बेंचमार्क है, और अगर आप उस बेंचमार्क को पसंद करते हैं तभी उस फंड में इन्वेस्ट करें। फिर नीचे आएंगे तो आपको फंड मैनेजर मिल जाएंगे, इसमें भी वही दो फंड मैनेजर है जो कि आपने एक्सिस ब्लू चिप में देखा था। फिर अगला जो हमारा है वो मल्टी कैप, मल्टी कैप क्या होता है,
उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, कुछ लार्ज कैप में इन्वेस्ट होगा, कुछ मिड कैप में, कुछ स्मॉल कैप में, पूरी तरह से डाइवर्सिफाई होगा आपके म्यूचुअल फंड में जो भी स्टॉक्स है वो अलग अलग सेक्टर लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप से होगा। तब पहला जो मल्टी कैप फंड है वो पारंपरिक फ्लैक्सी कैप फंड NAV है ₹51.16, CAGR देखिए 22% का दिया है 5 इयर्स में, मैक्सिमम ईयर में बात करें मैक्सिमम ईयर में 21.78% का CAGR दिया है, काफी बेहतरीन है। फिर नीचे चलते हैं, अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें 0.8% का एक्सपेंस रेशियो है जो कि काफी ज्यादा है, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो जितना कम हो उतना बेहतर वो फंड होता है। फिर नीचे चलते हैं तो यहाँ पर लॉक इन पीरियड कुछ नहीं है, प्लान हमेशा ग्रोथ लेना है, तो हमेशा हम जो रिकमेंड करते हैं वो आपको ग्रोथ प्लान वाले ही म्यूचुअल फंड रिकमेंड करते हैं। और एग्जिट लोड अलग अलग टाइम होराइजन के अनुसार आपको अलग अलग एग्जिट लोड लगेगा, लेकिन अगर आप 730 डे से ऊपर रखते हैं तो आपको यहाँ पर कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। और यहाँ पर SIP अमाउंट जिससे चाहे स्टार्ट कर सकते हैं, लमसम 1000 से स्टार्ट कर सकते हैं लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना है, तो बेंचमार्क इसका है निफ्टी 500 को ये फॉलो करता है। फिर नीचे जब आते हैं तो आपको फंड मैनेजर मिल जाएंगे, यहाँ पर 3-3 फंड मैनेजर जो कि इस फंड को मैनेज करता है। फिर यहाँ आप AMC के रिपीटेशन को पढ़ सकते हैं। और दूसरा जो मल्टी कैप फंड है वो है कोटक फ्लेक्सी कैप फंड। कोटक फ्लेक्सी का फंड ये भी काफी बेहतरीन है और इस फंड में भी आप चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका NAV है ₹57.57 और यहाँ पर बात करें CAGR का 5 इयर्स में 15.68% का दिया है CAGR, और मैक्सिमम ईयर में बात करें 18.290% का CAGR का ग्रोथ दिया है, लेकिन पारंपरिक फंड से काफी कम इसका रिटर्न है, क्योंकि मैक्सिमम में हमें 2% का रिटर्न काफी इफेक्ट करता है हमारे रिटर्न को। लेकिन अब नीचे चलते हैं तो यहाँ पर देखिए एक्सपेंस रेशियो भी इसका अच्छा खासा है, लेकिन पारंपरिक से थोड़ा सा कम है 0.66% का। और नीचे चलते हैं, इसमें लॉक इन पीरियड कुछ नहीं है, प्लान ग्रोथ है, एग्जिट लोड 1% लगेगा, अलग अलग टाइम होराइजन के अनुसार अलग अलग है। फिर कोई SIP अमाउंट का लिमिट नहीं है, लमसम 5000 से स्टार्ट करते हैं, ये निफ्टी 200 को फॉलो करता है, तो सबका बेंचमार्क अलग अलग है। फिर यहाँ पर फंड मैनेजर को पास सकते हैं, तो फंड मैनेजर यहाँ पर हर्ष जिनके पास 18 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, कुल 4 फंड मैनेज करते हैं। अब बारी है 2 बेहतरीन स्मॉल कैप फंड का। तो पहला जो स्मॉल कैप फंड है वो है एक्सिस स्मॉल कैप फंड, इसका NAV है ₹63.76 और बात करें CAGR का मैक्सिमम ईयर में 26.89% का CAGR का ग्रोथ दिया है। ये फंड में तो आपको जरूर से जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। बात करें यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो का, तो एक्सपेंस रेशियो है 0.39, तो एक्सपेंस रेशियो भी काफी कम है। अब चलते हैं हम नीचे, तो नीचे देखिए प्लान ग्रोथ है, हमेशा ग्रोथ प्लान ही सिलेक्ट करना है, लॉकिंग पीरियड 0 है, अलग अलग टाइम पीरियड के लिए एग्जिट लोड अलग अलग है, लेकिन 12 मंथ के बाद कोई एग्जिट लोड नहीं है, तो 0 एग्जिट लोड लगेगा 12 मंथ के बाद आपको। मिनिमम SIP का कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहे आप स्टार्ट कर सकते हैं, मिनिमम लमसम 5000 करना है। और बेंचमार्क की बात करें निफ्टी स्मॉल कैप 100 इसका बेंचमार्क है, तो अगर बेंचमार्क को ये लगातार बीट करता है निश्चित रूप से ये फंड काफी बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। वहीं फंड मैनेजर की बात करें, अनुपम तिवारी और हितेश दास दो फंड मैनेजर हैं इस फंड के, तो फंड मैनेजर के बारे में मतलब फंड मैनेजर का जो रिपुटेशन है उसे जरूर देख लें, MC का रिपुटेशन देख लें। फिर जो दूसरा स्मॉल कैप है वह SBI स्मॉल कैप फंड, ये भी काफी बेहतरीन स्मॉल कैप फंड है, NAV ₹107.11 है और बात करें मैक्सिमम ईयर में रिटर्न का 27.74% का CAGR ग्रोथ दिया है जो कि काफी बेहतर है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो का, 0.84% एक्सपेंस रेशियो है और नीचे सुखने हैं तो ये प्लान भी ग्रोथ प्लान है, लॉक इन पीरियड 0 है, एग्जिट लोड 1 ईयर के पहले 1% है, उसके बाद 0 एग्जिट लोड है, मिनिमम SIP 500 से आप इसमें स्टार्ट कर सकते हैं, मिनिमम लमसम ₹5000 है जैसे आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कम से कम इतना, और इसका बेंचमार्क है S&P BSE स्मॉल कैप। और नीचे आएंगे तो आपको जो फंड मैनेजर है RCVD निवासन और यहाँ पर AMC के रिपुटेशन के बारे में पढ़ सकते हैं, तो ये 2 स्मॉल कैप हो गए। अब बारी आती है ELSS फंड का, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम का इसमें, और यहाँ पर देखिए सबसे पहला है आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ 96 फंड, करंट NAV है ₹45.78, 16.70% के CAGR का ग्रोथ दिया है मैक्सिमम में जो कि काफी बेहतरीन है, क्योंकि यहाँ पर आपका टैक्स रिलीफ तो मिलता है साथ साथ इतना बेहतर रिटर्न मिलता है, जहाँ की और सारे जो ऑप्शन होते हैं
टैक्स रिलीफ का, उसमें आपको काफी कम रिटर्न मिलेंगे। तो यहाँ पर नीचे चलते हैं तो एक्सपेंस रेशियो 0.87% का, तो एक्सपेंस रेशियो काफी ज्यादा है। फिर बात करते हैं प्लान का, ग्रोथ प्लान है, लॉक इन पीरियड 3 इयर्स का है। तो यह याद रखना है कि जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं इसमें तो आपको लॉक इन पीरियड जो है 3 इयर्स का बाद ही आप इससे अपना पैसा विदड्रॉ कर सकते हैं। 3 इयर्स के पहले आप इसमें कोई भी विदड्रॉ का ऑप्शन नहीं है। फिर एग्जिट लोड की बात करें तो यहाँ पर एग्जिट लोड 0 है क्योंकि लॉक इन पीरियड है। लॉक इन पीरियड के बाद ही आप म्यूचुअल फंड को सेल कर सकते हैं और अपना वहां से अमाउंट जो है विदड्रॉ कर सकते हैं। SIP किसी भी अमाउंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम लमसम 500 तक का कर सकते हैं। देखिए कितना नीचे तक का आप लमसम कर सकते हैं। बेंचमार्क S&P BSE 200 को ये फॉलो करता है। देखिए यहाँ पर जो आपको टैक्स लगेगा 3 इयर्स के बाद, जो भी 1 लाख से अधिक का आपको प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट पे आपको 10% लगेगा, बाकी बाद आपका यहाँ पर टैक्स रिलीफ आपको मिलेगा। अब फंड मैनेजर यहाँ पर आप देखते हैं अजय गर्ग इसके फंड मैनेजर, MCG रिपोर्टेशन को पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा ELSS फंड है, मतलब जिसमें आप इन्वेस्ट करके अपना टैक्स रिलीफ ले सकते हैं, वो है एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। NAV है 81 रुपीज 80 पैसा और 5 इयर्स में 18% का CAGR। मैक्सिमम एनएवी बात करें तो 21.64% का CAGR। तो दोस्तों ये तो काफी बेहतरीन है, इतना बेहतरीन रिटर्न तो हमें मल्टी कैप और मिड कैप स्टॉक्स में मिलता था, यहाँ पर हमें ELSS फंड में इतना बेहतर रिटर्न मिल रहा है, तो क्यों ना हम इसमें इन्वेस्ट करें और टैक्स रिलीफ लें। यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो की बात करें 0.79% का एक्सपेंस रेशियो, तो एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज्यादा है। तो प्लान यहाँ पर ग्रोथ है, लॉक इन पीरियड 3 इयर्स का है, जैसे सभी ELSS फंड में होता है। एग्जिट लोड 0 है, मतलब आप 3 इयर्स के पहले विड्रॉ ही नहीं कर सकते। किसी भी अमाउंट से आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम लमसम आप 500 का कर सकते हैं। इसका बेंचमार्क भी BSE 200 है और यहाँ पर नीचे आकर के आप इसके फंड मैनेजर और AMC के रिपोर्टेशन को पा सकते हैं। तो ये सारी फंड है जिसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। ELSS में आ गया आदित्य बिरला सन लाइफ लिव फंड, एक्सेस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, इंडेक्स फंड में UTI निफ्टी इंडेक्स फंड, ICICI पोटेंशियल निफ्टी इंडेक्स फंड, और लार्ज कैप में मैंने लिया था एक्सेस ब्लू चिप फंड और मिडेज एसर्ट लार्ज कैप फंड, और मिड कैप में लिया था कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, एक्सेस मिड कैप फंड, वहीं स्मॉल कैप में मैंने लिया था SBI स्मॉल कैप फंड और एक्सेस स्मॉल कैप फंड, और जो मल्टी कैप फंड है उसमें प्राग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड और कोटक फ्लैक्सी कैप फंड। तो ये फंड सारे हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आपके पास अगर कोई दूसरा बेहतर फंड हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, ताकि नए लोगों को कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है और अच्छा वेल्थ क्रिएट करना है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए।